श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पशु पक्षियों को भगवान की पूजा करते, उनकी आराधना करते देखा या सुना है कभी आपने? आज धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे ऐसे हनुमान मंदिर के जहां हजारों की संख्या में तोते करते हैं हनुमान की पूजा। इंदौर के पंचकुलिया हनुमान मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में तोते आकर पहले हनुमान के दर्शन करते हैं, फिर आम भक्तों की तरह मंदिर में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार राम दुलारे आन पड़ा रब तेरे द्वारे। बजरंग बली के दर्शन को आते हैं तोते हजार। हनुमान हे महावीर करो कल्याण। होते हैं भक्ति के अद्भुत दर्शन। हे महावीर करो कल्याण। जब तोते करते हैं हनुमान का पूजन। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। जो भी सच्चे मन से करता है बजरंग बली को याद, उसके दुख पल भर में हो जाते हैं खाक। पंचकुइया हनुमान मंदिर में आने वाला हर भक्त इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंदिर में आता है, लेकिन इस मंदिर में कदम रखते ही भक्तों को दिखाई देता है भक्ति का एक अलग ही नजारा। भीड़ भाड़ से भरे इंदौर शहर में एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों की संख्या में तोते करते हैं बजरंग बली की पूजा। पंचकुइया हनुमान मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि ईश्वर भक्त तोते भी हनुमान भक्ति में डूबे नजर आते हैं। आम भक्तों की तरह तोते भी पहले हनुमान जी के सामने अपना शीश नवाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में बाजरा ग्रहण करते हैं। हाँ, वो यहाँ पर हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और भगवान का प्रसाद पाने के लिए यहाँ पे डेली वो यहाँ पर आते हैं और अपना प्रसाद पा के आरती के बाद वो यहाँ से 7 बजे सभी यहाँ से अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये आरती के समय सुबह आते हैं और बारी बारी से मतलब एक पंगत बैठती है, उसके बाद फिर दूसरी ऐसे बारी बारी से। मंदिर में मौजूद बजरंग बली की प्रतिमा करीब 400 साल पुरानी है। वैसे तो यहाँ बजरंग बली को खेड़ापति हनुमान के नाम से जाना जाता है, लेकिन मंदिर के चारों तरफ 5 कुएं होने की वजह से ये मंदिर पंचकुइया हनुमान के नाम से अधिक मशहूर है। सुबह सवेरे जैसे ही मंदिर की आरती समाप्त होती है, इन तोतों का हुजूम पवन पुत्र के दर्शनों के लिए उमड़ने लगता है। इन तोतों के यहाँ आने के पीछे क्या कहानी है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर परिसर में मौजूद संतों का मानना है कि पिछले कई सालों से यहाँ तोतों का आना बरकरार है और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भक्ति का अद्भुत संयोग ही है कि जिस तरह ईश्वर के भंडारे में हजारों की संख्या में भक्त भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पंचकुइया हनुमान मंदिर में भी हजारों की संख्या में तोते ईश्वर को नमन करते हुए बारी बारी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, तोतों की हनुमान भक्ति का नजारा भी देखने लायक होता है। अन्न का दाना चुनने से पहले ये तोते हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ मुंह करके उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अपना भोजन करते हैं। संकट मोचन के दरबार में आने वाले भक्तों के भले ही कई रूप हों, लेकिन इन सभी में कोई आम बात है तो बजरंग बली के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा। राहुल करैया, इंदौर आज तक। तोते की हनुमान पूजा तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं बजरंग बली के तोते रूप को। चित्रकूट में तोतामुखी रूप में दर्शन देते हैं हनुमान। कहते हैं कि संकट मोचन के इस रूप की आराधना से कट जाते हैं काल सर्प दोष। जय हनुमंत संत हितकारी। ये भक्ति का अनूठा रूप है। इस रूप में रचता बसता है भगवान का चमत्कार। भक्तों की श्रद्धा, उनकी भक्ति,
ये रूप हैरान करता है, सवाल पूछने के लिए कहता है और भगवान की लीला के आगे सिर झुकाने पर मजबूर करता है। हनुमान का दुर्लभ रूप। तोता रूप में है हनुमान। तोता रूपी ये प्रतिमा संकट मोचन की है। भगवान की कई अनोखी प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, लेकिन ये रूप निराला है, दुर्लभ है। कहते हैं इसी रूप में चित्रकूट में हनुमान विराजते हैं, भक्तों की तकलीफ जानने की कोशिश करते हैं और फिर हरते हैं उनके दुख। कहानी तोतामुखी हनुमान की। तुलसीदास ने बनाई है प्रतिमा। तोतामुखी हनुमान की ये प्रतिमा संत तुलसीदास ने अपने हाथों से बनाई थी। कहते हैं जब तुलसीदास चित्रकूट आए तो संकट मोचन ने तोता रूप में उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन कराए थे। तभी तुलसीदास ने हनुमान की तोतामुखी प्रतिमा बनाने का निश्चय कर लिया। खास बात यह है कि ये मूर्ति न तो मिट्टी से बनी है और न ही पत्थर की। इसे गाय के दूध, घी, दही, गोबर और गोमूत्र से बनाया गया है। तुलसीदास जी को एहसास हुआ कि ये भगवान है, तो जब भगवान के दर्शन तुलसीदास जी को हो गए तब जाकर तुलसीदास जी ने ये हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापित किया अपने हाथों से, जो ये पत्थर और कंक्रीट से नहीं बनी हुई। ये पंचगव्य से, गाय के गोबर, गाय का दूध, गाय का घृत, जो पंचगव्य है उनके द्वारा तुलसीदास जी ने इस मूर्ति की स्थापना किया जो आज यहाँ स्थापित है। भक्तों की मान्यता है कि चित्रकूट में भगवान राम ही नहीं उनके परम भक्त हनुमान भी वास करते हैं। कभी वो तोता रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं तो कभी भिखारी बन के। कहते हैं यहाँ बसने का आदेश खुद श्री राम ने उन्हें दिया था। भगवान जब प्रयाण के लिए जाने लगे तो हनुमान ने उनके साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। दरअसल सीता जी ने हनुमान को अजर अमर रहने और भक्तों का कल्याण करने का आदेश दिया था। कहते हैं जब हनुमान ने श्री राम से पूछा कि ऐसे में वो कहाँ रहकर माँ की इच्छा पूरी करें, तब राम ने उन्हें चित्रकूट की राह दिखाई और कहा कि यहाँ रहकर न केवल वो अपने आराध्य के दर्शन हर समय कर सकेंगे बल्कि भक्तों के दुख दर्द भी दूर कर सकेंगे। ये हमारे अजर और अमर देवता माता जानकी का आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। क्यों राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, क्योंकि राम नाम की औषधि हर वक्त हनुमान जी के मुख में रहती है और वो अजर और अमर है। तब से लेकर आज तक हनुमान चित्रकूट में विराजते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। जैसा रूप वैसा नाम और वैसा ही स्वभाव, तोतामुखी हनुमान पक्षी के रूप में भक्त को मिलाते हैं भगवान राम से और करते हैं उनका कल्याण। संकट मोचन का ये रूप भक्तों को निहाल कर संवार देता है उनका जीवन। संतोष बंसल, चित्रकूट, आज तक। चित्रकूट के तोतामुखी हनुमान का नाम ही अनोखा नहीं है बल्कि उन्हें प्रसन्न करने का तरीका भी बहुत अलग है। यहाँ बेर चढ़ाकर मांगा जाता है संकट मोचन से आशीर्वाद, और अगर हनुमान ने आपकी प्रार्थना सुन ली तो दुख दूर होते देर नहीं लगेगी। बेर से होते हैं हनुमान प्रसन्न, काट देते हैं काल सर्प दोष। 11 मंगलवार में देते हैं मन चाहा वरदान, करते हैं भक्तों का कल्याण। हनुमान का रूप जितना अनोखा उतना ही अनोखा उनका भोग। आरती के साथ संकट मोचन का किया जाता है गुणगान। और फिर लगाया जाता है उनके प्रिय बेर का भोग। चित्रकूट के तोतामुखी हनुमान के दरबार में सबकी सुनवाई होती है। बिगड़ी बना देते हैं हनुमान, जीवन संवार देते हैं भगवान। यही वजह है कि यहाँ हर मंगलवार और शनिवार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और मनचाहा वरदान लेकर ही यहाँ से जाती है।
आमतौर पर दूसरे हनुमान मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ बेर से की जाती है अंजनी पुत्र की आराधना। इसका रहस्य भी भगवान के तोता रूप में छिपा है। एक तो तोते को बेर पसंद होते हैं और दूसरे खुद भगवान राम को भी बेर पसंद थे। उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए भी थे। यही वजह है कि तोतामुखी हनुमान के मंदिर में भक्त खास तौर पर बेर का भोग लगाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। बेर का प्रसाद इनको चढ़ता है और 11 मंगल और 11 शनिश्चर को सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए, जिसके मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तोतामुखी हनुमान की आराधना कालसर्प दोष से भी भक्तों को छुटकारा दिलाती है। अगर कोई भक्त लगातार 11 मंगलवार या शनिवार को व्रत कर सुंदर कांड का पाठ करे और बेर का प्रसाद अर्पित कर दे तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कालसर्प दोष हमेशा के लिए कट जाता है और अकाल मृत्यु पास नहीं फटकती। कालसर्प योग यदि हो तो कहते हैं महामृत्युंजय का जप करा देने से उससे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन यहाँ हनुमान जी में दर्शन मात्र से और सिर्फ बेर अर्पित कर देने से ही उस योग से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि तोतामुखी हनुमान की चमत्कारी शक्तियों का लाभ उठाने दूर दूर से भक्त आते हैं और संकट मोचन के निराले रूप के दर्शन कर उनके आशीर्वाद का लाभ उठाते हैं। चित्रकूट से संतोष बंसल के साथ आज तक ब्यूरो। अनंत हनुमान के जितने चमत्कार हैं उतने ही अद्भुत उनके रूप भी। इन्हें देख हर किसी का मन भक्ति और श्रद्धा से भर उठता है। ऐसा ही एक अनोखा रूप है गिलहरी का। अलीगढ़ के अचल ताल में हनुमान भक्तों को देते हैं गिलहरी रूप में दर्शन और देते हैं ग्रहों के प्रकोप से मुक्ति का आशीर्वाद। एक मंदिर ऐसा हे दुख भंजन मारुति नंदन, जहाँ गिलहरी रूप में है हनुमान। पवन सुत विनती बारंबार, जहाँ चोला गचरता है प्रसाद बारंबार। हे दुख भंजन, जहाँ कटता है नवग्रहों का प्रकोप। सुनो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। यूं तो हनुमान जी के अनेकों मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। ये मूर्ति बजरंग बली की है। इस मूर्ति में बसते हैं भक्तों के प्राण। इस मूर्ति में दर्शन होते हैं बजरंग बली के एक अनोखे रूप के, उनके गिलहरी रूप के। हैरान मत होइए, ये भक्तों के भक्त हनुमान का ही रूप है, जिसे देखकर मन में जरूर ही ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर भक्तों के भक्त का ये कैसा रूप है। निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव, निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दरअसल अलीगढ़ के अचलताल में मौजूद है हनुमान का ये गिलहरी रूप, जिन्हें भक्त गिलह राज के नाम से पुकारते हैं। हनुमान का ये रूप उस समय की याद दिलाता है जब लंका पर आक्रमण के लिए वानर सेना सेतु का निर्माण कर रही थी। सभी वानर समय समय पर विश्राम कर लेते थे, लेकिन हनुमान जी आराम नहीं करते। तब भगवान श्री राम ने हनुमान को विश्राम करने का आदेश दिया। राम के इस आदेश से हनुमान धन संकट में फंस गए। एक तरफ बिना काम पूरा किए हनुमान विश्राम नहीं करना चाह रहे थे और दूसरी तरफ वो भगवान राम का आदेश नहीं टाल सकते थे। श्री राम के आदेश का पालन करते हुए हनुमान वहाँ से हट तो गए, लेकिन उनका मन काम नहीं लगा था, इसलिए हनुमान ने गिलहरी रूप में आकर काम पूरा किया। तो गिलहरी का रूप रख के आए और थोड़ी सामर्थ्य करने लग गए, लेकिन प्रभु ने उन्हें पहचान लिया, प्यार से बुलाया, हाथ पे बैठाया और हाथ फिराया। वही रूप गिलहराज जी का यहाँ अलीगढ़ में एकमात्र विश्व में मौजूद है। ये मूर्ति कितनी पुरानी है इसका तो प्रमाण नहीं है, लेकिन कहते हैं इस मंदिर का निर्माण नाथ संप्रदाय के महंत महेंद्र योगी नाथ ने कराया था, जिन्हें हनुमान ने सपने में दर्शन देकर अलीगढ़ में होने की बात बताई थी। एक बगीचे से हनुमान का ये गिलहरी रूप महेंद्र नाथ को प्राप्त हुआ था,
जिसकी आराधना करते थे महेंद्रनाथ हनुमान जी से उनके इस रूप के रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। हनुमान जी योगी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर सपने में योगी को फिर से दर्शन दिया और उन्हें बताया कि मेरे इस विग्रह रूप की पूजा स्वयं बलराम जी ने द्वापर युग में की थी और तभी से विग्रह रूप यहाँ पर विराजित है। इस मंदिर में गिलहराज की मूर्ति पूर्वमुखी है जिसमें भगवान के केवल एक नेत्र के दर्शन होते हैं। कहते हैं जिसने भी हनुमान के स्वरूप के दर्शन कर लिए उसे ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, जिन भक्तों की गोद सुनी हो या कोई भी कष्ट हो, गिलहराज पूरी करते हैं मुराद और देते हैं कष्टों से मुक्ति। मंदिर में आने से न केवल शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है, जैसे ही गिलहराज जी को गृहराज भी कहा जाता है तो नवग्रह से मुक्ति मिलती है। अगर इनको लड्डू चढ़ाया जाए बूंदी का तो नौ ग्रह से मुक्ति मिलती है, और साथ ही साथ जिसके मित्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, अगर वो पूर्णमासी के दिन कोई फल की भेंट चढ़ाए बदले में एक फल वापस ले जाए गोद में, तो पुत्र रत्न या संतान इनसे भी प्राप्ति होती है। और जिसका कोई भी कष्ट है अगर वो नित्य प्रतिदिन 41 दिन का नियम करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, और साथ ही साथ जो झगड़ा काम होता है वो भी बनता है, मुकदमेबाजी गृह क्लेश सबसे मुक्ति मिलती है। टाइम से आ रही हूँ और शनिवार को तो हमेशा ही आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे में बहुत विश्वास है बालाजी महाराज जी में, और सभी ठीक है ये यहाँ पे जो भी कुछ मांगते हैं की मनौती पूरी होती है मैंने हमेशा सुना है, तो मैं काफी समय से यहाँ पर आ रही हूँ। मैं तो हमेशा मानती हूँ बस मन में शांति रहे, मन में हमेशा शांति रहे, सही रास्ते पे हम जाएं, कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं, हमेशा मुझे यही प्रार्थना है। बजरंग बली के इस मंदिर में भक्त मुरादे पूरी होने पर मंगलवार और शनिवार को यहाँ आकर चढ़ाते हैं चोला। हनुमान के स्वरूप में भक्तों की कितनी आस्था है इसका अंदाजा मंदिर में रोज करीब सैकड़ों की संख्या में चढ़ाए जाने वाले इन चोलों से ही लगाया जा सकता है। पंकज सारस्वत, अलीगढ़ आज तक। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।